ये रहे पापा, और अच्छी यहाँ दिन, तो अच्छी हमने दिन, किया था आपसे ये प्रॉमिस कि सोसाइटी में हम लोग आएंगे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और आज है वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। मेरी लड़की ने ऑस्ट्रेलिया के कलर का ड्रेस पहन लिया है क्योंकि वो चाहती है कि जब ऑस्ट्रेलिया हारे और वो बहुत दुखी हो तो एटलीस्ट वो थोड़ी सी उनको सपोर्ट कर पाए। और हम आज सभी बहुत एक्साइटेड है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहाँ पर हम अपना जमावड़ा बनाएं कि हम एक साथ मैच देख पाए और इंजॉय कर पाए। क्या लगता है बॉस, कहाँ जमावड़ा बनने वाला है? जमावड़ा तो वही होगा, बीजे के यहाँ ही होगा मेरे को लगता है, पूजा पापा लोगों को। तो सेकंड इनिंग में हम प्लान कर रहे हैं कि हम सारे एक साथ ही बैठ कर क्रिकेट देखें और देखते हैं कि कितना वो सक्सेसफुल हो पाता है। बहुत लड़ाई बताई जा रही है दीदी क्रिकेट वाले ने। तो आज है मैच ना, आज सबसे ज्यादा सबसे सीरियस वाला मैच है। तो क्या लगता है आज कौन जीतेगा? अब देखो अपने इधर के लग रहे उम्मीद। हाँ दीदी, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मुझे तो पता ही नहीं कहाँ है। आज है वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच है आज इंडिया का, हमारे देश का और दूसरे देश का, ठीक है? तो कौन सा देश जीतेगा आप ये छोड़ दो, देश कौन सा जीत रहा है? अपना ही देश जीतेगा, अपना ही देश जीतेगा, मतलब इंडिया ही जीतेगा। आज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, लड़की ने पहन लिया है ऑस्ट्रेलिया का कलर का ड्रेस। मैं मार दूंगी लड्डू, और लड्डू को चाहिए ये स्कॉच के, उसमें आटा डाल दिया है और यही मांग रही है मुझसे। तो मेरी लड़की ने पहना है कंगारू क्योंकि हारने वाले हैं, तो लड्डू उनको बुरा ना लगे इसलिए लड्डू ने पहले उनके कलर का पहन लिया है। तो स्कॉच कौन जीत रहा है मैच? स्कॉच को तो पता नहीं है, बट स्कॉच कह रहा है जहां मैं रहता हूँ, जिस देश में रहता हूँ, जिस देश का खाता हूँ, वही देश जीत रहा है। क्या कहती लड्डू? लड्डू से इंडिया, लड्डू इंडिया आ गई है, दूध आ गया है। दीदी जैसा कि हमेशा लेट, आज भी लेट है, पनीर बना रही है, पनीर फ्राई हो गया है, ये है धनिया, आटा, मसाला, सब कुछ। झाड़ू पोछा हो चुका है, ब्लैंकेट डालने को है। लड्डू स्कॉच ने अपना हगीज पहन लिया। स्कॉच मुझे कब से बोल रहा है खोल दो खोल दो खोल दो, स्टिल वाइब्रेटिंग है। ये देखो लड्डू खोल दे स्कॉच का हगीज, एक घंटे और स्कॉच। स्कॉच 9 बजे से हगीज पहना है, अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो आज मैंने ब्लॉगिंग 11:30 से स्टार्ट किया, आपको टाइम भी पता चल गया होगा। अभी मैच स्टार्ट होने में तो टाइम है, लेकिन मैच की बाइक सुबह से ही हम लोग ले रहे हैं। लड्डू नो, डोंट टच, डोंट टच। स्कॉच कह रहा है बॉस हगीज उतारने को, क्या बोलते हो? 12 बजे, हाँ आधा घंटा और, अभी 12:30 बजे हगीज उतारेंगे। स्कॉच 12 बजे हगीज उतर जाएगा मेरी बुल्ली बुल्ली का। ले तू 12 बजे उतार देंगे बोल रही है, हाँ ठीक है 12 बजे। ये बहुत डार्क हो गया है मेरे पास। अब ये हो रहा है टॉस, और क्या लगता है बॉस कौन जीतेगा? टॉस, हाँ जल्दी बोलो। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी, चलो देखते हैं। बॉस ने बोला ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी, तो देखते हैं। लाइट की थोड़ी कमी आ रही है घर में मेरे। अभी काउंट स्टार्ट होगा। वन टू थ्री, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गई है और मैच इंडिया जीतेगी भाई। इंडिया बॉलिंग करेगी, इंडिया पहले, ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लिया, इंडिया ने बैटिंग लिया, दिल बिल्कुल थम गया। ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग चूज की है और इंडिया ने बैटिंग। धक धक हो रहा है भाई बहुत ज्यादा, देखते हैं। बस सभी इंडियन को गुड लक, मिलेंगे हम, मिलते रहेंगे और फाइनल रिजल्ट तो आना ही है सबके सामने।
तो मैच के बीच में अगर थोड़ी सी कुछ सुकून दे रहा है तो वो ये है छठ पूजा। यहाँ लोगों ने अपना स्विमिंग पूल खुद ही बना लिया है और इसी के अंदर कर रहे हैं लोग छठ। फिलहाल हम देख रहे हैं अपनी बैलकनी से, आप देख लेंगे, हम दूसरे वाली सोसाइटी का छठ पूजा आपको दिखा रहे हैं क्योंकि क्रिकेट के चक्कर में तो हम कहीं जा नहीं पाए हैं। जूम ब्लर। तो आप ऐसे बैठे ही क्यों, उतार दो। राहुल का 50 पूरा हुआ तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सुकून दिया। और अरे ओहो, शाहरुख खान भी आया देखो। चलिए मैं आपको मिलती हूँ मैच का अपडेट, और बाकी आज छठ पूजा भी है तो आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम निकल गए हैं मम्मी के घर के लिए और आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को स्कोर दिया है 241 का, और ठीक है 30-40 रन ऊपर नीचे हैं बट कोई बात नहीं, हमें पता है कि हम ही जीतने वाले हैं वर्ल्ड कप। और नहीं भी तो नो डाउट हमें ये पता है कि इंडिया ने बहुत मेहनत की। क्या बोलते बॉस? बहुत मेहनत की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके मेहनत को भूल जाए। और अगर आपको याद हो तो आलोक ने और हमने एक प्रॉमिस किया था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचती है तो हम कुछ करेंगे, तो हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अगर आपको याद है तो याद ही होगा, और नहीं याद है तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सोसाइटी में पहुँच कर। तो ये रहे पापा, और याद हो तो हमने किया था आपसे ये प्रॉमिस कि सोसाइटी में हम लगवाएंगे क्रीम। इसके बाद ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि हम थोड़े अपसेट थे, और हमारी टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, और मैं टीम इंडिया को बोलना चाहूँगी हम आपके जीत के भी साथ हैं और हम आपके हार के भी साथ हैं। और देशवासियों को बोलना चाहूँगी हमारी टीम इंडिया उस सीढ़ी से फिसली जिसके ठीक बाद छत आनी थी। तो आप टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को मत भूलिएगा। बाय बाय।